नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मा द जर्नलिस्ट। मैं बांदा से साकेत अवस्थी। आज हम लोग तिल की फसल के संबंध में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि तिल की फसल किस तरीके से तैयार की जाती है। आप देख पा रहे होंगे हम देहात क्षेत्र आ पहुँचे हैं और इस तिल की फसल के लिए किसान ने कैसे इसकी खेती करना प्रारंभ किया है और देखिए लहलहाती हुई फसल आपको दिखाई दे रही है। ये तिल की फसल है। फिलहाल इस तिल की फसल के लिए उस खेत का चयन किया जाता है जहां जल भराव की स्थिति नहीं होती है और जल भराव की स्थिति पर खेत पर पानी भर जाने की वजह से तिल की फसल सड़ जाती है और नष्ट हो जाती है, जिससे किसी प्रकार से कोई लाभ किसान को नहीं हो पाता है। आप देख रहे होंगे इस तिल की फसल के लिए किसान समय रहते हुए सर्वप्रथम जो ढालदार खेत होते हैं, अर्थात ढालू खेत होते हैं जिसमें पानी नहीं रुकता है, उसमें उसकी बुआई करता है और बुआई के उपरांत में जब बरसात का पानी संबंधित फसल पर पड़ता है तो ज़मीन पर जितनी आवश्यकता है उतनी रुकता है और उसके बाद में वो बह जाता है, जिसके वजह से तिल की फसल काफ़ी अच्छी होती है। खासकर तिल की उपयोगिता के बारे में बताया जाए तो तिल कई मायने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और यह विशेषकर तेल के लिए तथा अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के काम आता है। तिल की खेती के लिए किसानों को काफ़ी कड़ी मशक्क़त भी करनी पड़ती है क्योंकि ये फसल तैयार होने के बाद में काफ़ी महंगी भी होती है और जिससे किसान अधिक मुनाफा कमा सकता है, लेकिन इसको तैयार करने के लिए किसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के साथ साथ इसकी देखरेख भी करनी पड़ती है। आप देख रहे होंगे और किसानों को चाहिए कि संबंधित तिल की बुआई करने से पहले इसमें गोबर की खाद का प्रयोग अधिक अगर किया जाए तो बेटर है, क्योंकि गोबर की खाद से ही इसमें नमी बेहतरीन तरीके से पाई जाती है और इसमें उर्वरक क्षमता भी अधिक होती है और जिसके कारण इसकी फसल की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। वहीं तिल की फसल के लिए बताया गया है कि यह तिल की फसल खेत जोतने के बाद में केवल इसको हाथ से छींटा जाता है और छींटने के उपरांत ही यह अपने आधार पर जो है अपने आप स्वतः जमती है और तैयार होती है। आप देख रहे होंगे बेहतरीन तरीके से तिल की फसल है ये और लहलहाती हुई तिल की फसल है। फिलहाल इसमें अभी फूल लगे नहीं हैं, लगना प्रारंभ हो रहे हैं और इसके बाद में ये फसल देगी और किसान इसका लाभ कमाएगा। किसानों के लिए यही खासकर जो है हमारे संस्थान से निर्देश है, टिप्स है कि समय रहते हुए तिल की फसल की बुआई करें और छिटाई करें, साथ में जल भराव की स्थिति खेत पर ना हो, खासकर ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बांदा से फार्मर द जर्नलिस्ट के लिए साकेत अवस्थी।